सारे चलेगी ना, चलेगी सारे, सारे चलेगी। हे गाइस, हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और जो नई मेहमान है, जो नई नवेली दुल्हन है, वो तो चुपके डर गई है एकदम। चलो वो दिखाती हूँ। एंड लुक एट हर, चुपचाप डर गई है और वो शी इज स्लीपिंग। और तो हम लोग आते ही चाय पी लिए थे और अम्मी अभी ये देखिए नमाज पढ़ रही है और जो टिमटिम है वो तो जबरदस्त खुश हो गया है क्योंकि उसकी लाइफ पार्टनर आ गई है और ही इज वेरी हैप्पी। तो अभी कितना बज गया, 7:30 बज गए हैं। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ फ़िश का सालन बनाने के लिए। मैंने फ़िश की रेसिपी बहुत बार शेयर की है तो मेरे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो। तो मैं रेसिपी तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही हूँ। और कुछ बर्तन हैं और फ़िश बनाना है तो मतलब पूरा कंप्लीट मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा क्योंकि रोटी भी बनाना पड़ेगा, राइस भी बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ वेट लॉस करने के लिए। तो अब मैं चावल तो आज देखा ना आपने कितना मैंने भर के खाया है। तो मैं भूल गई थी कि मैं मतलब मैंने कल से ही स्टार्ट किया है कि मैं सिर्फ रोटी खाऊंगी और चावल बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो आज तो मुझे इतना भूख लगी थी तो मैंने खा लिया और माँ के हाथ की बात थी तो फिर इसलिए मैंने खा लिया। और लेकिन अब से मैं सिर्फ रोटी खाने वाली हूँ और मैं वेट अपना लॉस करने वाली हूँ। तो देखते हैं कितना लॉस होता है और जो मेरा मोटिवेशन है कब तक वो। एक्चुअली मैंने ना स्टार्ट किया है सीरियल देखना और वहाँ से मुझे मोटिवेशन आ रहा है। नहीं तो मुझे ऐसे कुछ फील ही होता था कि हाँ वेट लॉस करो या कुछ नहीं, क्योंकि दिन भर घर पे रहना पड़ता था और मैं टीवी वगैरह नहीं देखती थी। तो इसके लिए अब मैं टीवी देखना स्टार्ट की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे भी थोड़ा स्लिम होना चाहिए, थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहिए क्योंकि पहले मेरा वेट बहुत ही कम था और अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, कहीं भी ऊपर चढ़ती हूँ या फिर ज़्यादा काम करती हूँ तो मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगा है। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो अभी लॉस करना पड़ेगा, बिना लॉस किए तो चलेगा नहीं। तो ये बात है, तो देखते हैं ये मेरा मोटिवेशन कब तक रहता है और आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो मैं जा रही खाना बनाने, फिर मैं मिलती हूँ आपसे, बाय। सारा होशियार निकली और टिमी बेचारा डरपोक निकला। टिमी कुछ कर नहीं पाता है और सारा एकदम बराबर से उसको झिड़की दे रही है। टिमी बेचारा मासूमियत का मारा कुछ नहीं कर पा रहा। टिमी जा पकड़ लो चारा बहुत चालू। टिमी आप कुछ नहीं कर पाओगे, कल रात से आपने गुलाब की जगह कबूतर दिया लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं निकला। अब शाम के हो गई, दोपहर हो गया है लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए हो। नैनो से आपने वार किया लेकिन आपके नैनो का काम कुछ चला नहीं। खाना खाने के टाइम टिम्मी कुछ मस्ती नहीं करता। टिम्मी देख कितना शान बैठा है कि मेरी परी खा लेगी तो मैं खाऊंगा, है ना राजा, है ना मेरे बच्चों। ये झगड़ा हम लोग हिंसा नहीं सिखाते बच्चे लोग को, ऐसे नहीं है। देख बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे वो। आज की लौंडी आई है झगड़ालू, उसको भी सुधार देंगे हम, टेंशन नहीं। तो सारा तो खाने में नंबर वन है लेकिन उसे जिस मकसद के लिए हाँ तुम चुप रहे ना, कुछ तो करने दे बेचारे को। कितना दूर भाग जाता, सिर्फ वो देखती है तो भाग जाता बेचारा मेरा बच्चा।
ए टिंटू, रामी का तरकारी देखो कितना मजेदार मस्त है। कैसा है माँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब आपके जब आना तो तब भी बना था। खाना बहुत मस्त है। ऐसा खाना कोई नहीं बनाता है? हाँ बोल बोल, क्या बोल रही है तुम? बराबर कोई पसंद भी ज्यादा नहीं है। होटल में खाना है तो अगर एक होटल खुलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। इतनी अच्छा है होटल का खाना भी। क्या बात कर रही है, इतना तारीफ, मेरा तो पेट ही भर गया। अब खाना क्या खाऊं मैं? मैं खा लूं तो पेट भरा। वाह वाह, अब तू इतना तारीफ कर दी तो मेरा पेट ही भर गया। अरे मैं तो सचमुच का झूठ नहीं है, ना अच्छा है कि वैसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। मेरे को तो पेट भर जाता है। आपसे कितनी बार कहा आप प्लीज मुझसे पूछ रहे मजे मार के खाए तो आप गाइस, अब मैं भी थोड़ा खाना खा लेती हूँ। वैसे तो मेरा आधा पेट तारीफ सुन के ही भर गया है, तो मैं अपना जो डाइट वाला मीन्स मैं रोटी खा रही हूँ, राइस अवॉइड कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस कर पाऊँगी मैं ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ दूल्हे वालों के साथ हो गया है धोखा, और टिमी के लिए जो दुल्हन मैंने लाई थी उसका नाम सारा है, और वो मस्त इंजॉय कर रही है यहाँ पर। वो मस्त खा रही है, पी रही है, दूध पी रही है, सो रही है, एंड टिमी मेरा उसके पास जा रहा है, उसको एक बजा रही है थप्पड़, और टिमी डर जा रहा है। तो मैंने वायलेंस तो सिखाया नहीं मेरे बेटे को, इसकी वजह से वो फ़ायदा उठा रही है, और ये चलेगा नहीं। तो मेरे साथ पहले से धोखा हो गया, और मुझे नहीं पता था शी इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट। तो वो प्रेग्नेंट है ऐसा माँ बता रही है, कि माँ को डाउट हो रहा है, मुझे भी डाउट हो रहा है, क्योंकि वो सो रही है और उसका जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। तो उसे ये पता चल रहा है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, 80% ऐसा लग रहा है। और तो लेकिन मेरे साथ तो धोखा हो गया ना। यहाँ पे देखिए मेरे दीवाने बेटे को, ये सो रहा है और उसी को देख रहा है वो, और वो एकदम दूर आके सोई है। मेरा बच्चा 2 दिन से सोया नहीं है, बस उसी के ऊपर टकटकी लगा के नजरें गड़ा के देख रहा है, लेकिन उसका दिल इतना सख्त है, कड़क है, कि वो पिघल ही नहीं रहा है। ओके गाइस, आज हमने लाया है रबड़ी, यानी हम बोलते हैं इसे मिष्टी दोई, जो कि लगता है सुपर टेस्टी यम्मी। एंड ये अर्थन पोर्ट में तो और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अभी मम्मी आपको खा कर दिखाएगी कि कैसा टेस्ट है इसका। मिष्टी कैसा
ओके गाइस, मैं भी खा के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है इसका टेस्ट। बहुत मजा है। वाओ, फ्रेश हो गया माइंड। ओके गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हाँ, आप देख सकते हो कि हमने कितने सफाई से साफ किया है। वेरी सुपर यम्मी था वो।